आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव असमान स्थिर विद्युत क्षेत्र से विचलित नहीं होता है। चार विकल्प इसके हमारे पास में दिए गए हैं। पहला H2O, दूसरा CaCl3, तीसरा C6H14 और चौथा C6H5NO2। तो दोस्तों, जो हमारा असमान विद्युत क्षेत्र से विचलित कौन सा नहीं होगा, जिसके ऊपर में विद्युत क्षेत्र से प्रभावित जो हो, तो दोस्तों हमें वो देखना है जो असमान विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, विचलित नहीं होगा। तो इसमें वो विचलित नहीं होगा जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, जिसमें जो हमारा क्या होगा दोस्तों, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। जो अध्रुवीय प्रकृति का होता है वो हमारा क्या होगा, असमान विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा। H2O हमारा ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसके अंदर में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये वाला विकल्प हमारा सही विकल्प नहीं है। सिमिलरली CHCl3 के अंदर में भी हमारा इसी तरीके का होता है दोस्तों, इसलिए ये वाला विकल्प भी हमारा सही विकल्प नहीं है। C6H5NO2 के अंदर में नाइट्रो ग्रुप के माइनस आई प्रभाव के कारण हमारे ध्रुवीय गुण आते हैं, इसलिए ये वाला विकल्प भी सही विकल्प नहीं है। C6H14 जो होता है दोस्तों, उसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, हमारा ये असमान विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति का है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।